डियर स्टूडेंट्स, हम एंट्रेंस ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट समझ रहे हैं। उसी सीक्वेंस में हम अगला लेक्चर लेंगे। पर मैं बता दूं कि पहले जो हमने एंट्रेंस ऑन ड्राइंग का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें एंट्रेंस ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन के कंसेप्ट समझे थे। उसके बाद में अगर ड्राइंग का अमाउंट हर बार इक्वल हो और हर दो ड्राइंग के बीच का इंटरवल भी सेम हो, तो एंट्रेंस ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले तो ये माना कि अगर हर महीने में पैसा निकाला जाए, हर महीने के बिगनिंग में या हर महीने के एंड में या हर महीने के मिड में पैसा निकाला जाए, ऐसे तीन लेक्चर हमने तीन केस के लिए लिए थे। उसके बाद अगर हर क्वार्टर में पैसा विड्रा हो तो हर क्वार्टर के अगर बिगनिंग में पैसा विड्रा हो, हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रा हो, हर क्वार्टर के मिड में पैसा विड्रा हो, तो इंटरेस्ट एंड टाइम कैसे निकालें। कंसेप्ट सभी का एक होता है, लेकिन एग्जाम्पल ले लेके हम थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में अगर पैसा विड्रा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हम एक और लेक्चर ले रहे हैं कि अगर हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रा हो तो कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। कंसेप्ट यहाँ भी सेम है, पर अब थोड़ा हम चार्ट में ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लेक्चर हम पीछे ले चुके हैं। तो क्वेश्चन है, आशुतोष इज अ पार्टनर, हिज ड्राइंग्स आर ₹30,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। आशुतोष जो है वो 30,000 पे विड्रॉ करता है हर क्वार्टर में। हर क्वार्टर में कब? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है तो एक तरीका तो ये कि हर एक क्वार्टर का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो और चारों का टोटल कर लो। चार क्वार्टर्स होते साल में, चारों का इंटरेस्ट निकाल लो, टोटल कर लो। या फिर दूसरा शॉर्टकट तरीका जैसे बताया था जो अभी हम वापस से लेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर होता है, अप्रैल टू जून क्वार्टर में पैसा विड्रॉ किया 30,000 और हर क्वार्टर के एंड में, मतलब अप्रैल टू जून का जो लास्ट है वो 30 जून होता है, तो 30 जून से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक लगता है। तो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है उसके एंड में यानी 30 जून को विड्रॉवल हुआ, 30 जून से 31 मार्च तक यानी उस पर 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा क्वार्टर, अगला सेकंड क्वार्टर जो होता है वो होता है जुलाई टू सितंबर के एंड में पैसा निकाला, 30th सितंबर को पैसा निकाला, 30th सितंबर से ईयर एंड 31 मार्च तक का टाइम होता है 6 मंथ। फिर थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर दिसंबर का एंड 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 मंथ होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी टू मार्च। तो जनवरी टू मार्च के एंड में 31 मार्च को पैसा निकाला, 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ होते हैं, तो 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इस ढंग से हर एक 30,000 पे 9 मंथ का, 6 मंथ का, 3 मंथ का, 0 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो, टोटल कर लो, एक तरीका ये। या फिर टोटल मंथ कितने होते हैं, 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0, टोटल होते 18 मंथ का इंटरेस्ट एक ही बार में निकाल लो जब टोटल करना ही है। तो कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट, 30,000 प्रिंसिपल अमाउंट है हर एक क्वार्टर में जो पैसा विड्रा हुआ, इंटू 6% इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में दी हुई है, टाइम 18 मंथ हमने कैलकुलेट किया, तो इस पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 2700। एक और मेथड बताई थी कि भाई एनुअल ड्राइंग ले लो, 30,000 हर क्वार्टर में पैसे निकालें और चार क्वार्टर होते हैं, 30,000 इंटू 12 120,000 रुपीज हो गया पूरे साल भर का ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू टाइम। जब अपन एनुअल ड्राइंग्स लेते हैं तो वहाँ पर एवरेज टाइम देखा जाता है। जब डेट ऑफ ड्राइंग दी हो तो उस केस में एवरेज ड्राइंग केस, एवरेज टाइम कैसे देखा जाता है, तो फर्स्ट टाइम है 9 मंथ और आखिरी वाला का टाइम है 0 मंथ, तो 9 और 0 का एवरेज, 9 प्लस 0 9 डिवाइड बाय 2 4.5, तो 4.5 एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं एनुअल ड्राइंग के ऊपर। तो एनुअल ड्राइंग पे 4.5 मंथ का इंटरेस्ट तो भी 2700 आएगा। तो हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग निकाल लो, उनका टोटल कर लो, तो यही आएगा, करके देखिएगा, पिछले लेक्चर्स में अपन ने करके भी देखा है। आप हर क्वार्टर की यानी हर पीरियड के अलग अलग ड्राइंग है उन पे टोटल टाइम का इंटरेस्ट निकाल लो, या फिर एनुअल ड्राइंग ले लो, हर क्वार्टर की ड्राइंग ना तो एनुअल ड्राइंग ले लो, एनुअल ड्राइंग लिया तो टाइम जो है वो एवरेज टाइम ले लेंगे।
हर तरीके से इंटरेस्ट सेम आएगा। तो ये तीन मेथड से इंटरेस्ट ऐसे निकल सकता है। अगर क्वार्टरली ड्राइंग दिए तो ये मेथड लगा लो, एनुअल ड्राइंग दिए तो ये निकाल लो, या जैसा अच्छा लगे। इस ढंग से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के हमने केस समझे। अब हम एक लास्ट केस अभी और अगले लेक्चर में लेने वाले हैं कि अगर ड्राइंग का इंटरवल सेम ना हो, कभी 1 महीने में पैसे निकाला, कभी 4 महीने बाद निकाले, तो कभी 2 महीने बाद पैसे विड्रॉ किए, या हर बार का ड्राइंग का अमाउंट अलग हो, इंटरवल सेम हो पर अमाउंट अलग हो, तो या दोनों ही अलग अलग हो, तो उस केस पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई की जाती है। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे निकलता है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।